हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि विंडो 10 का जो वीडियो एडिटर होता है, जिसमें आप कोई भी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं विंडो 10 के वीडियो एडिटर का प्रयोग करके। चलिए यहाँ पर टाइप करते हैं वीडियो एडिटर। देखिए ऐसा हो रहा है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन होगा। इसमें आप कोई भी प्रोजेक्ट को बेहतरीन डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं एक तरह से। चलिए देखिए, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाया है इसमें शो हो रहा है। और न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे न्यू प्रो। चलिए ओके करते हैं और यहाँ से दिस पीसी से यूज करते हैं। देखिए दिस पीसी या फ्रॉम माय कलेक्शन फ्रॉम द वेब, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं फोटो या वीडियो। चलिए इस पीसी से लेते हैं। इसे लेने के बाद जैसे कि कोई भी एक वीडियो लेंगे, चलिए ये वाली वीडियो लेते हैं, फोटो लेते हैं, फोटो है वीडियो नहीं, और ओके करते हैं ओपन। प्लेस इन द स्टोरी बोर्ड, यहाँ पर प्लेस करना है तो इस पर क्लिक करेंगे आप। और इसमें डिलीट का ऑप्शन था बलग में, हटा भी सकते हैं। और इसका टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। यहाँ से ड्यूरेशन से कम या बेसी भी कर सकते हैं, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 2 सेकेंड, जो भी करना है। देखिए प्ले करते करके दिखाते हैं इसे, ले इसे बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। देखिए और चाहते हैं इसे रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से घुमा सकते हैं। और इसका जो साइज भी है सिर्फ कर मूव ब्लैंक बार, देखिए रहने दीजिए इसे। तो यहाँ से देखिए रिमूव कर सकते हैं ऑल, और इफेक्ट डाल सकते हैं यहाँ से, किस तरह से इफेक्ट होना चाहिए। रुक जाइए अभी, 3D इफेक्ट रेडी फ्रॉम योर वीडियो। चलिए हम एक इफेक्ट लगाते हैं, ये वाला, तो इस पर क्लिक करते हैं और इसे थोड़ा से इधर कर देते हैं और इसे रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद इसे लाते हैं इधर। चलिए ठीक है, इसका वॉल्यूम है यहाँ से कम या अधिक कर सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है थोड़ा से बढ़ा देते हैं, पूरा यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं इसका टाइमिंग, कितना समय तक रुके रहेगा। तो यहाँ से डन करते हैं। डन करने के बाद अब वीडियो प्ले करते हैं। देखिए और भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं यहाँ से। चलिए इफेक्ट यहाँ से 3D इफेक्ट जो ऑनलाइन कर सकते हैं और यहाँ से इफेक्ट कर सकते हैं। चलिए न्यूज वाला या कोई दूसरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ दूसरा डालते हैं और डन करते हैं। इसे लाते हैं इधर, इसकी साइज को बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद देखिए थोड़ा से इधर कर देते हैं, नीचे डाउन की तरफ, और डन कर देते हैं। इसका वॉल्यूम भी दिया होगा, देखिए वॉल्यूम चाहते हैं तो नहीं तो हटा सकते हैं या नहीं बढ़ा भी सकते हैं। और इसे पूरा कर देते हैं। पूरा करने के बाद यहाँ से डन कर देते हैं। इसे डन करने के बाद अब देखिए प्ले करते हैं इसे। देखिए बहुत ही गजब लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, इसको जैसे कि लेफ्ट राइट मूव भी कर सकते हैं, और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ से टेक्स्ट ऐड करते हैं इसमें। तो चलिए हम इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, यूट्यूब हम अपना नाम लिख देते हैं, ARAVIND। चलिए ये ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी, टॉप में कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं। और इसका लेआउट जो है राइट लेफ्ट जो भी करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। और इसका यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरह का रहेगा, क्लासिक रहेगा, एडवेंचर रहेगा या क्वाइट रहेगा, जो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसे एडवेंचर रहने देते हैं और इसे डाउन कर देते हैं। चलिए जॉय कर देते हैं और इसे डन कर देते हैं। यहाँ से कम या बेसी भी कर सकते हैं, वही प्रोसेस है, तो डन कर देते हैं। और चलिए और यहाँ से देखिए ऐड टू कार्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, जो भी हटा भी सकते हैं इसे।
या इसे भी हटा सकते हैं, इस वीडियो को जो भी आपने बनाया है यहाँ से हटा सकते हैं। और आप यहाँ से देखिए जो भी जिस पिक्सल में आपको चाहिए वीडियो उस पिक्सल में आप बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपका बन जाएगा। हम लास्ट में बताएंगे, इसे कैंसिल करते हैं इसे, और चलिए वीडियो ऐड करते हैं, रॉम माई पीसी से वीडियो ऐड करते हैं एक। तो चलिए एक वीडियो ले लेते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसे लेस करते हैं, तो देखिए यहाँ से इसका आवाज़ भी कम कर सकते हैं, इस वीडियो का आवाज़ भी कम या अधिक कर सकते हैं। देखिए इसमें आवाज़ होगा, आवाज़ नहीं है, देखिए इसमें आवाज़ है, यहाँ से देखिए इसमें आवाज़ इसमें नहीं है, नहीं है तब भी अगर रहेगा तो यहाँ से आप कम कम कर सकते हैं, आवाज़ को हटा सकते हैं। अगर चाहते हैं आप बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक। तो चलिए अब इसे डन करते हैं, अब प्ले करेंगे तो आवाज़ भी होगी। और यहाँ से कस्टम म्यूजिक जो भी आप ऐड करना चाहते हैं प्ले पर, जो भी आप जहाँ पर म्यूजिक रखे हैं वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं जिस फाइल में। चलिए चाहिए कैंसिल करते हैं। तो अब इसे वीडियो में कन्वर्ट करना है, या देखिए यहाँ से देखिए कुछ देखिए थीम्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से जो भी दिया है। तो ठीक है, यहाँ से स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं स्पीड को। देखिए अगर घटाना चाहते हैं स्पीड को, थोड़ा से फास्ट करना चाहते हैं, इधर से जब इधर जाएंगे तो फास्ट होगी स्पीड, इधर से इधर आएंगे तो स्लो एकदम हो जाएगी, देखिए दुगना तिगना हो जाएगी स्पीड। यहाँ से नॉर्मल यहाँ से रहेगी, ऐसे फास्ट कर देते हैं और रोक देते हैं। देखिए अब प्ले करेंगे, देखिए 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा पूरा। देखिए अब इसे पूरा चाहते हैं कि नॉर्मल रहे तो इसे यहाँ से कर सकते हैं, देखिए 19 सेकंड का। चलिए अच्छा ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छे लगे डिसलाइक करना, ज़्यादा अच्छे सब्सक्राइब कर देना। अब इसे वीडियो कन्वर्ट करना है फिनिश वीडियो में, तो यहाँ से देखिए वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 पिक्सल कितना दिया है, 1080 पिक्सल रिकमेंडेड, यहाँ पर लिखा हाई वीडियो क्वालिटी जो रहेगी 1080 पिक्सल रहेगी, कहाँ जो भी आप करना चाहते हैं कम या बेसी भी कर सकते हैं। मीडियम 720 पिक्सल या जो भी, लो क्वालिटी स्मॉलेस्ट, चलिए हम इसे जो भी कम करते हैं लो क्वालिटी, एक्सपोर्ट करते हैं और जहाँ भी आपने फाइल बनाया है वहाँ पर जाकर सेव हो जाएगा। यहाँ से अपना एक लोकेशन बता सकते हैं कि कहाँ पर ही सेव होगी आपकी वीडियो। चलिए डी ड्राइव में कर देते हैं। तो और यहाँ से देखिए तो फाइल है, वीडियो फाइल, तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। और देखिए यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगेगा, धीरे धीरे लोडिंग लेगा, जब समय हो जाएगा यहाँ से लोड हो जाएगा तो उसके बाद वीडियो ऑटोमेटिक स्टार्ट होने लगेगी। देखिए देखिए चलने लगी वीडियो, आपकी एक वीडियो बन चुकी है। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, ना अच्छे लगे डिसलाइक करना, ज़्यादा अच्छे सब्सक्राइब, मन की बात लिखना भाई कमेंट कर देना।